YFS Tech Gang को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो कंटेंट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा वो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करो और वेलकम टू YFS फैमिली। कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब? आज मैं आपके Mi 3 को यहाँ पर MIUI 12 20.7.2 वर्जन से 20.7.9 वर्जन के अंदर अपडेट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है अमन धीमान, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल योर फैमिली सपोर्ट। गाइस, ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो और वेलकम टू YFS फैमिली। तो किस बात की देरी दोस्तों, लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, सबसे पहले यहां पर एक्सटेंडेड पावर मेन्यू का यूज करके आपने आ जाना है रिकवरी मोड के अंदर। अगर आपने एक्सटेंडेड पावर मेन्यू को यहां पर इनेबल नहीं किया हुआ है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। MIUI 12 टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। और गाइस, आप यहां पर वॉल्यूम अप बटन प्लस पावर की को प्रेस करके भी आप शार्प रिकवरी में बूट हो सकते हैं। गाइस, अगर आप यहां पर 20.7.2 वर्जन को आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने Mi 3 के अंदर, तो आप यहां पर सबसे पहले उसका बैकअप ले लीजिएगा। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर सिंपल गेट बैक कर सकते हैं अपने 20.7.2 वर्जन के अंदर, जिसमें आपका सारा डेटा यहाँ पर सेव रहेगा। और गाइज, आपको एक और ध्यान देने वाली बात जो है, आपका जो फ़ोन है वो 60% एटलीस्ट होना ज़रूरी है जब भी आप किसी भी रोम को इंस्टॉल करने के लिए जाते हैं। तो गाइज, अब आपको यहाँ पर शार्प रिकवरी के अंदर फ्लैश के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 20.7.9 वाले वर्जन MIUI 12 को यहाँ पर फ्लैश कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर फ्लैश करते हैं, फ्लैशिंग में थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर देखने में लग सकता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट लगने वाला है फ्लैशिंग में। और जैसे ही आपका यहाँ पर फ्लैशिंग कंप्लीट होता है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपका जो फ़ोन है यहाँ पर सक्सेसफुली इंस्टॉल कर देगा आपके MIUI 12 को। अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप आ जाएंगे रिकवरी में, आपको यहाँ पर रिबूट पर क्लिक करना है एंड अगेन रिबूट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन के बाद जो बूटिंग में टाइम लगेगा वो आपको यहाँ से 3 से 4 मिनट लग सकता है। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी यहाँ पर, और आपका जो फ़ोन है यहाँ पर MIUI 12 में बूट कर जाएगा। बूट एनिमेशन आपको MIUI 12 का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको बस यहाँ पर वेट करना है और वेट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका MIUI 12 है होने में यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट आपको वेट करना रहेगा। जैसे ही आपका MIUI लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ ही देर वेट करने के बाद आपका जो फ़ोन है यहाँ पर बूट हो जाएगा। तो गाइज, लॉक स्क्रीन पासवर्ड आपने यहाँ पर डालकर एंटर कर देना है अपने MIUI 12 के अंदर। और गाइज, यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा कोई भी एप्लीकेशन डिलीट नहीं हुआ है। तो गाइज, इस तरह से आप यहाँ पर अपने MIUI 12 बिटनेट रोम को इस तरह अपडेट कर पाएंगे बिना किसी डेटा लॉस के। और गाइज, यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात मेरे को लगी है, यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन वाला जो बग था, जो स्लीप मोड में आपका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं करता था, वो भी अब यहाँ पर सही हो चुका है। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।